यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया है। इस परीक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हाँ, टॉप 10 में लड़कियों का जलवा साफ दिखाई दे रहा है। इस बार कुल 685 उम्मीदवार पास हुए हैं। इस परीक्षा में श्रुति शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल है, जबकि गामिनी सिंगला को तीसरा स्थान मिला है। IAS टॉपर श्रुति शर्मा सेंट स्टीफंस कॉलेज की छात्रा रही है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU से ग्रेजुएशन किया है। श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है। श्रुति शर्मा पिछले 2 साल से जामिया मिलिया इस्लामिया में आवासीय कोचिंग एकेडमी से कोचिंग ले रही थी। यूपी की रहने वाली हिस्ट्री की स्टूडेंट श्रुति शर्मा इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पहले स्थान पर रही, तो वहीं अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा रही। इसके अलावा 5वीं रैंक उत्कर्ष द्विवेदी को मिली। छठे स्थान पर यक्ष चौधरी रहे। 7वें स्थान पर सम्यक एस जैनी, जबकि 8वीं रैंक इशिता राठी को मिली। 9वीं रैंक प्रीतम कुमार और 10वीं रैंक हरकीरत सिंह रंधावा ने हासिल की। पीएम मोदी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सफल उम्मीदवारों के साथ साथ उन्होंने असफल उम्मीदवारों को भी अपना संदेश दिया है। चयन से चूके अभ्यर्थियों से उन्होंने कहा, मैं उन लोगों की निराशा को पूरी तरह से समझ सकता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ये प्रतिभाशाली युवा है जो किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हर साल IAS IPS ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार UPSC सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में एक माना जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।